रेवोल्यूशनरी मोमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रेवोल्यूशनरी जो मोमेंट्स थे वो बेसिकली कुछ लोगों के द्वारा या फिर कुछ संस्थाओं के द्वारा किए गए थे, या फिर कह सकते हैं कि जो गरम दल था उन्हीं लोगों ने अपने जो एक एक्सट्रीम जो खोला था ताकि दबाव बनाने के लिए ब्रिटिशर्स पे कि अगर आप प्यार से नहीं सुन रहे हो तो हम बंदूक और बम का इस्तेमाल भी करेंगे। तो उस तरीके से इस चीज़ का कहीं ना कहीं खोला गया था, ठीक है, और इसको सपोर्ट मिल रहा था जो बहुत सारे नेता थे उनका, ठीक है। तो अब जो मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, दे वॉन्ट क्यूकर रिजल्ट, ठीक है, एंड फेड अप विद मॉडरेट इफिशेंसी। ये मॉडरेट की जो इन इफिशेंसी है उससे फेड अप हो चुके थे, एंड दे वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल बाय बॉम्ब एंड रिवॉल्वर्स, ठीक है, चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिले बॉम्ब्स और रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके दो फेज थे, पहला फेज था 1819 से लेकर 1890 से लेकर 1918 तक, सेकेंड फेज था 1920 के बाद। तो जो 1920 के बाद था वो मद्रास का था, और इसमें जो भारत माथा जो एसोसिएशन था उसका बहुत बड़ा योगदान था, बाय नीलकंठ ब्रह्मचारी, उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में अलग तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अलग अलग उनने जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वो बनाए गए थे। तो महाराष्ट्र का क्या था, यहाँ पर चित्तपरन ब्राह्मण स्टार्टेड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। दूसरा चापेकर ब्रदर किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, देन बाल गंगाधर तिलक सपोर्ट इन न्यूज़पेपर अरेस्टेड फॉर 18 मंथ, 18 महीने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था न्यूज़पेपर में जो चापेकर ब्रदर्स ने मारे थे ब्रिटिश ऑफिशियल, ठीक है। उसकी वजह से बंगाल में स्टार्ट बाय भद्रलोक ने स्टार्ट किया था, ये एजुकेटेड क्लास थे, दे फेड अप विद नो रिजल्ट बाय पीसफुल प्रोटेस्ट, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसके से रिजल्ट नहीं मिलता, इन्होंने ये स्टार्ट किया। एंड बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति बनाई गई बाय यंगर ब्रदर अरबिंदो घोष, ठीक है, उसका उनका नाम था बद्रीनाथ कुमार घोष, और इनने अनुशीलन समिति ने युगांतर भी बनाया, ठीक है। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। देन आता आपका थर्ड पॉइंट, द आता आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। ये जो खुदीराम बोस था प्लस प्रफुल्ल चक्की, ठीक है, और इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। तो आप सोच सकते हो कि छोटी उम्र में, तो जो खुदीराम बोस थे इनको लड़का के मार दिया, फांसी दी गई, और जो प्रफुल्ल चक्की है इसने अपने आप को गोली मार ली, अपने आप को, ठीक है। तो किंग फोर्ड को मारने के लिए बॉम्ब फेंका, बट इट किल टू लेडीज़ और ये भाग गई, ठीक है। अब आता आपको घोष ब्रदर अरेस्टेड, इसके लिए घोष ब्रदर अरेस्टेड हुए, अरबिंदो घोष लेटर रिलीज एंड बैंड टू स्पिरिचुअल गुरु इन पांडिचेरी, ठीक है। इनको भी अरबिंदो घोष को भी अरेस्ट कर लिया गया था इस केस में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, एंड लेकिन फिर बाद में उन्होंने स्पिरिचुअल एक संभाली और फिर वहाँ पांडिचेरी में अपना स्टार्ट कर दिया स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। देन आप आता आपका फोर्थ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन पंजाब और दिल्ली में, पंजाब के अंदर सरदार अजीत सिंह स्टार्टेड, ठीक है, जो अंकल थे भगत सिंह के, उनने स्टार्ट किया। और दिल्ली जो कॉन्स्पिरेसी केस था, ठीक है, उसमें राज बिहारी बोस का बस नाम आया था, एंड संग्याल थ्रू बॉम्ब एट लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर फेंका था। लास्ट जो बिहारी बोस थे वो उनकी फेम जो करी बहुत फेमस थी बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है। जो करी आज आप सुनते हो कि जापान में बहुत फेमस है, वो राज बिहारी बोस की वजह से थी, क्योंकि ये फिर भाग गए थे आपका जापान में, और इनने मैरिज किया था तोशिको के साथ, ठीक है। इस्टेब्लिश रेस्टोरेंट वहाँ पर जहाँ पर वो करी बनाते थे, एंड बंगाल पतला मुर्गी झोल, ठीक है, इसका ये नाम था, लेकिन वहाँ जाके इसका नाम हो गया करी, और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो ये याद आपको पता होना चाहिए कि वहाँ करी फेमस होने का एक जो श्रेय है वो राज बिहारी बोस को जाता है। अब जो एसोसिएशन बने थे, ठीक है, जो बने थे वो थे महाराष्ट्र के अंदर, जो सिख ऑर्गेनाइजेशन था वो था आपका अभिनव भारत, फाउंडर इसके थे आपका वी डी सवाकर, ठीक है, वी डी सवाकर थे इसके। बंगाल में आपका अनुशीलन समिति ढाका बनी थी, और जुगांतर बना था कलकत्ता के अंदर। इसके जो फाउंडर मेंबर थे वह था आपका प्रमोथो मित्रा, और फिर आपका बीरेंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी। मद्रास में जो बना था वो आपका भरत माथा एसोसिएशन बना था। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे नीलकंठ ब्रह्मचारी, याद होना चाहिए। अब जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई वेस्ट इंग्लैंड के अंदर, वो आपका लंदन में, ठीक है, लंदन में लीड कर रहे थे आपके स्वामी जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। ये पब्लिश करते थे मंथली जर्नल ऑफ सोसाइटी कॉल द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है, मंथली एक जर्नल था। और वी डी सावरकर एंड लाला हरदयाल, ठीक है, ये लंदन से लीड कर रहे थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मन ने सेटअप किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी, ऑल्सो इंडियन हाउस लंदन में, ठीक है।
अब यहीं से स्टार्ट होता है दूसरा हमारा पॉइंट, गदर मूवमेंट, ठीक है। वायलेंस टू अचीव लिबरेशन, ये चाहते थे कि वायलेंस हो जिससे लिबरेशन अचीव की जाए। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि गांधी जो गदर पार्टी थी इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हाँ सॉरी, सोहन सिंह जो भकरा थे इसके पहले प्रेजिडेंट थे, और जो गदर पार्टी ने इस्टेब्लिश की गई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर, यूएसए के अंदर 1930 के अंदर, और इफोर्ट इसमें जो लगाया गया था वो लाला हरदयाल के द्वारा, कतर सिंह सरपा के द्वारा, रामचंद्र के द्वारा, भगवान सिंह के द्वारा, और परकुट्टुल्ला एंड भाई परमानंद के द्वारा, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश का रिस्पांस आया था वो आता प्रिवेंशन ऑफ सीडिशियस मीटिंग एक्ट, ठीक है, ताकि कोई भी जो मीटिंग जो भी सीडिशियस मीटिंग एक्ट है जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है वो मीटिंग ना हो। और दूसरा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट कि आप कहीं भी आप एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तीसरा क्रिमिनल लॉ, और चौथा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, इसको रॉलेंट एक्ट भी कहते हैं, इसी का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, रॉलेंट एक्ट इसी का एक मॉडिफिकेशन है, इसको और थोड़ा कड़ा बना दिया इसी को, तो वही हमारा रॉलेंट एक्ट बन गया। ये बहुत एग्रेसिव था, ठीक है, इवन ऑन सस्पेशन एनी वन कैन बी अरेस्टेड, अगर किसी को शक के आधार पर भी इसको अरेस्ट करने का इसके अंदर प्रोविजन था, ठीक है। अब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन पंजाब यूपी और बिहार के अंदर, ठीक है, टेररिज्म बोल सकते हैं या फिर आज़ादी की लड़ाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है, लेकिन इसको ब्रिटिशर्स टेररिज्म बोलते थे, लेकिन हर इंडियन के लिए ये तो एक सही की लड़ाई है, ठीक है। अब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बाय राम प्रसाद बिस्मिल प्लस जोगेश चंद्र चटर्जी सचिन संग्याल, मेन मोटिव यह था कि आर्म्ड रेवोल्यूशन हो, इस्टेब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्हें इस्टेब्लिश किया सॉन्डर मंडर और बॉम इन CLA, ठीक है, इन लोगों ने CLA के अंदर बॉम्ब फिट कर दिया, नॉट टू किल बट टू मेक द डेफ एयर, ठीक है, इनका ये था कि हमें मानना नहीं है, बस टू मेक द डेफ एयर, जो बहरे उनको सुनाई दे। भगत सिंह और मुक्तेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका, ठीक है, भगत सिंह प्लस सुखदेव प्लस राजगुरु ट्राइड इन लाहौर काउंसिल केस, इनको फांसी की सज़ा मिली ऑन March 23, 1931, ये पता होना चाहिए आपको डेट। अब जो राइटिंग है ऑफ HSRA हिंद सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो इनने येलो पेपर सॉरी द मैनिफेस्टो इन्हें रिलीज़ किया गया था, और इनके द्वारा येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलीज़ किया गया था। नेम एंड एम ऑफ HSRA हिंद सोशलिस्ट रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, और इनकी जो फिलासफी ऑफ बॉम्ब की बुक लिखी गई थी भगवती चरण वोरा के द्वारा, भगत सिंह के जो दोस्त थे, एंड कौन आर्मरी रेड भी हुआ था 1930 के अंदर, इसमें सूरी सेन जो जो मास्टर दादा थे, ठीक है, इनका शॉर्ट नेम था, इन्हें ऑर्गेनाइज किया था एक आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, और प्रीति लता वाडेकर उनकी हेल्पर थी, उन लोगों ने पूरा का पूरा जो ब्रिटिशर का जो कॉन्टेनमेंट एरिया था उसको अपने स्टूडेंट्स के द्वारा उसको कब्जा कर लिया था, ठीक है, और ये करीबन कितने बहुत दिनों तक या फिर इनने कब्जा बनाया रखा, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है उस समय जब पूरा ब्रिटिश का राज चल रहा है, वहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा कर रहे हो, ठीक है, एंड दे क्वाइट सक्सेसफुल बट लेटर गेट कॉट, तो ये एक इम्पैक्ट था। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इन सब रेवोल्यूशन का, दिस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लेटर फॉर्म अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन लाइक INA ऑफ बोस, ठीक है, जो INA था वो उसका एक बड़ा रूप लेने में इन सब रेवोल्यूशनरीज में मदद करी। इसने इंक्रीज किया स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म प्लस लव ऑफ मदरलैंड इंडिया था, ठीक है, जो जवान लोग थे उनके अंदर एक खून उबलता हुआ खून उनने फैलाने में मदद करी, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर प्रेशर, इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर प्रेशर में आई, उनको पता चला कि नहीं लोगों के अंदर गुस्सा है, ठीक है, उनको जैसे कि भगत सिंह का डायलॉग भी था कि लेट द डेफ हेयर, ठीक है, ताकि जो बहरे हैं वो भी सुन सकें, क्योंकि वो सुनाई वो चाहते ही नहीं थे, वो मतलब एक उनने ये अपने जो लोग थे ब्रिटेन में उनके मन में ही डाल रखा था कि वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, हम तो उनको वो इतने जानवर टाइप के हम उनको इंसान बना रहे, तो उनकी एक ये फिलॉसफी थी, इस फिलॉसफी को तोड़ा गया कि नहीं आपके जो राज है उससे कोई खुश नहीं है, ठीक है, जानवर इंडियंस नहीं है, जानवर आप हो, एक उनको ये महसूस कराया गया, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव था। अब हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट 3 नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।